नमस्कार सभी अभिभावकों को और प्यारे प्यारे केंद्रीय विद्यालय क्रमांकित रुड़की के बच्चों को मैं प्रियंका काला हमारे केंद्रीय विद्यालय क्रमांकित रुड़की की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, कोरोना का टाइम जो था पिछले दो सालों से जो ये कोरोना की महामारी की स्पीड थी अब काफी हद तक थम चुकी है, बहुत ही कम हो चुकी है। तो जो हमारे सिर्फ इंडिया के ही नहीं, हमारे देश के नहीं, बाहर भी स्कूलों में सन्नाटा सा पड़ा हुआ था, अभी वो दोबारा से रौनक में तब्दील होने जा रहा है, क्योंकि हमारे विद्यालय ऑफिशियल तौर पे 1 अप्रैल 2022 से, यानी कि शुक्रवार का उस दिन दिन है, 1 अप्रैल से खुलने जा रहे हैं। तो बच्चों, इस दौरान आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। हालांकि आपने पिछले दो सालों में घर में रहते हुए बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्कूल होता है ना, स्कूल में कितनी सारी एक्टिविटीज होती हैं, हाउसेस में आप लोग बहुत ज़्यादा आपस में कॉम्पिटिशन्स करते हो, दोस्तों के साथ खेलते बैठते इंजॉय करते हुए बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, वो घर में नहीं हो पाता है ना। तो चलो, अभी स्कूल स्टार्ट हो रहा है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक बताना चाहूँगी। देखो बेटा, 1 अप्रैल को सबसे पहले सुबह 7:50 तक आपको स्कूल हर हाल में पहुंच ही जाना है। हमारे स्कूल की टाइमिंग है 7:50 से लेके 2:10 तक। तो सभी पेरेंट्स इस बात का, सभी अभिभावक इस बात का ध्यान रखेंगे कि बच्चा जब स्कूल आएगा तो सबसे पहले बच्चा जो है, हमारे यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी दो सेक्शंस होते हैं, प्राइमरी के जितने भी बच्चे हैं वो स्कूल के मेन गेट से एंट्री करेंगे और जो सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं वो स्कूल का एक कैंटीन वाला गेट है वहाँ से एंट्री करेंगे। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बच्चों की एंट्री अलग अलग तरीके से होगी। जैसे ही बच्चा एंट्री करेगा तो वहाँ पे हमारे टीचर्स की गेट में ड्यूटीज होती है, वो बच्चे का टेम्परेचर नोट करेंगे और साथ में बच्चे को सैनिटाइज भी करेंगे। उसके बाद बच्चा स्कूल के अंदर एंट्री करेगा। बेटा, जैसे ही आप स्कूल के अंदर एंट्री करोगे आपको इतना पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए। हमारे विद्यालय के प्रॉपर यूनिफॉर्म के बारे में सभी क्लास टीचर्स ने आपको अपनी अपनी क्लासेस में यूनिफॉर्म की फ़ोटो भेज ही दी होगी कि क्लास 1-2 के बच्चों के लिए क्या ड्रेस होती है, गर्ल्स के लिए ट्यूनिक होता है और बॉयज़ के लिए हाफ पैंट होती है, शर्ट होती है। और जैसे कि क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक की जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए स्कर्ट होती है, ऊपर शर्ट होती है और बॉयज़ के लिए हाफ पैंट और शर्ट्स होती है। अभी बात का ध्यान रखना, जो अभिभावकों से ये मतलब रिक्वेस्ट है मेरी कि जो गर्ल्स स्कर्ट्स पहनती हैं, वैसे तो स्कर्ट्स आज की डेट में जो आती हैं वो नीचे से शॉर्ट्स वाली भी स्कर्ट्स आती है, बट इनकेस अगर ऐसी स्कर्ट नहीं है तो बच्चे को अंदर से प्रॉपर शॉर्ट्स पहना के ही भेजेंगे गर्ल्स को खासकर। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। बाल बेटा, आप सबके प्रॉपर्टी बने होने चाहिए, वॉइस की हेयर्स बिल्कुल कटे हुए होने चाहिए, बहुत ही छोटी लेंथ वाली हेयर्स होनी चाहिए और जो गर्ल्स हैं वो प्रॉपर पोनी में आएंगी। आपके आखिर बिल्कुल छोटे बाल हैं तो ठीक है, अदरवाइज एक पोनी बन सकती है तो एक पोनी बनाएंगे और दो पोनी बन सकती है तो आप प्रॉपर दो पोनी में ही आएंगे। जिन गर्ल्स के लंबे बाल हैं वो बाल का ध्यान रखेंगे, प्रॉपर आपके बाल जो है उनकी टेल्स बनी हुई होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, कोई भी बच्चा इयररिंग्स वगैरह में गर्ल्स नहीं आएंगी, आप बिल्कुल एक स्कूल विद्यालय के प्रॉपरली जो ऑफिशियली बच्चे इस स्कूल में आते हैं ऐसा दिखनी चाहिए। आप जितनी भी स्मार्टनेस आपको करनी है बेटा आप घर में कर सकते हैं, लेकिन विद्यालय में आप बिल्कुल डिसेंट बन के आएंगे, अच्छा लगता है। नेक्स्ट बात मैं आप लोगों को जो बताना चाहूँगी कि आपके हेयर्स के साथ साथ आपके नेल्स कटे हुए होने चाहिए, आपका शूज ब्लैक कलर के ही होने चाहिए। आप सॉक्स की बात करेंगे तो विंटर्स के सॉक्स बेटा अलग होते हैं, समर सॉक्स अलग होते हैं, विंटर के ग्रे कलर के होते हैं, समर्स के ब्लू कलर के होते हैं, तो आपकी जो सॉक्स होनी चाहिए वो बिल्कुल समर वाली यूनिफॉर्म ही आपको पहनती चलनी है। दूसरी बात मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगी कि सभी बच्चे ध्यान देंगे और कि आप लोग सुबह ब्रेकफास्ट जरूर करके आइए बेटा, क्योंकि देखिए स्कूल प्रॉपरली खुल रहा है, 7:50 से 2:10 तक आप विद्यालय में ही है, गर्मियों का टाइम है, असेंबली होगी बाहर मेन ग्राउंड में। जब असेंबली ग्राउंड में होगी तो गर्मियों का टाइम है, धूप से आप लोग अगर खाना नहीं खाकर आएंगे, ब्रेकफास्ट नहीं करके आएंगे तो चक्कर खाकर आप लोग गिर सकते हैं। तो सभी बच्चे पानी की प्रॉपर बॉटल भर के आएंगे घर से और कम से कम घर से कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। और हमारे विद्यालय के प्राचार्य जी के आदेशानुसार अभी आप लोगों को एकदम से इतना बर्डन नहीं दिया जाएगा, आप लोग आराम से इंजॉय करेंगे, इसलिए
स्टार्टिंग का जो फर्स्ट वीक है आप लोगों को थोड़ा सा विद्यालय में, क्योंकि आप 2 साल के बाद स्कूल आ रहे हैं, तो विद्यालय में अडैप्ट करने के लिए आपके साथ बहुत ही फन एक्टिविटीज यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कराएंगे, आपको यूज टू करेंगे स्कूल के लिए, उस माहौल में ढलने के लिए पूरा वक्त आपको दिया जाएगा। इसलिए सर के आदेश अनुसार 1 तारीख को कम्युनिटी लंच का आयोजन किया जा रहा है, तो सभी बच्चे घर से बहुत ही टेस्टी टेस्टी सा अच्छा अच्छा सा फूड बनाकर आएंगे, अपना टिफिन डेकोरेट करके आएंगे घर से। और लेकिन साथ में ध्यान रखना है कि जब कम्युनिटी लंच होगा उसमें बेसिकली तो शेयरिंग होती थी, बट कोरोना पूरी तरह से थमा हुआ नहीं है, थोड़ा सा है, रफ्तार कम है, तो हम लोग शेयरिंग कम्युनिटी लंच भी नहीं कराएंगे। तो सभी बच्चे अच्छे से खाना पीना लेकर आएंगे कम्युनिटी लंच के लिए। नेक्स्ट चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी बेटा कि जब आप 1 तारीख को स्कूल में आएंगे तो सभी टीचर्स आपको टाइम टेबल के बारे में बता देंगे, आपके हाउस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता देंगे, हाउसेस के बारे में, जिस बच्चे को नहीं पता है, शिवाजी, टैगोर, अशोक और रमन 4 हमारे हाउसेस होते हैं, जिनको नहीं पता है वो 1 तारीख को टीचर्स उनको बता देंगे, और जिनको मालूम है बेटा आप लोग अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएंगे। हाउस यूनिफॉर्म होती है हमारी वेडनेसडे के दिन यानी कि बुधवार को और सैटरडे यानी कि शनिवार को, 2 दिन आप हाउस यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं। जो शिवाजी हाउस के बच्चे हैं वो रेड कलर की टी शर्ट और ब्लू ट्रैक पैंट में आते हैं, टैगोर हाउस के बच्चे ग्रीन टी शर्ट और ब्लू ट्रैक में आते हैं, अशोका हाउस के बच्चे येलो टी शर्ट और ब्लू ट्रैक में आते हैं, और जो रमन हाउस के बच्चे हैं उनका जो टी शर्ट का कलर है वो है ब्लू और नीचे आपकी ट्रैक पैंट होती है। तो 2 दिन आपको पहननी है हाउस यूनिफॉर्म, वेडनेसडे को और सैटरडे को। बेटा एक बात और, जब आपका बैग आप लोग रखेंगे तो बैग में आपकी कॉपी किताबें पूरी तरह से कवर अप होनी चाहिए, उस पर नेम स्लिप लगी होनी चाहिए, घर से ही आप लोग इंडेक्स अपनी कॉपीज में बनाकर आइएगा, और साथ में सैनिटाइजर आप सबको रखना है, हैंकीज आपको रखने हैं, और टिफिन में आपका जो भी आप अपना ब्रेकफास्ट लंच वगैरह जो भी रखेंगे उसमें आप लोग कम से कम सैलेड वगैरह या फ्रूट्स वगैरह जरूर रखिए, क्योंकि आपको अपनी बॉडी हाइड्रेटेड भी रखनी है। और सबसे मेन बात लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी, आप 2 साल के बाद स्कूल में आ रहे हैं, 2 साल तक आप हो सकता है घर में इतना आपको बाहर आप लोग नहीं निकले घर से, फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर हो या चाहे ओवर एक्साइटमेंट आपके अंदर हो, स्कूल की किसी भी प्रॉपर्टी को आप नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। स्कूल में जो चीज़ जैसी जहाँ पर रखी हुई है उसको आप इंजॉय करिए, खेलिए, सब करिए, लेकिन स्कूल प्रॉपर्टी को कोई भी बच्चा डैमेज नहीं करेगा। इन सभी बातों के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ, तो चलिए मिलते हैं 1 तारीख को सुबह 7 बजे।